और जलंधर एसटीएफ ने मिलके एक ऑपरेशन के दौरान, नाकाबंदी के दौरान, एक गुरलाल सिंह नाम के आदमी को गिरफ्तार किया है जो लोपो के एरिया अमृतसर का रहने वाला है। उससे 40 किलो हेरोइन बरामद की है। उसको अब रिमांड पे लेके हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसका सप्लाई चेन क्या है। ये अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन सा रूट इसने अडॉप्ट किया और कहाँ से क्रॉस हुई है, लेकिन डेफिनेटली ये पाकिस्तान से क्रॉस हुई है और इसने बताया है कि पाकिस्तानी स्मगलर्स के साथ ही इनकी डील हुई। इनका बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है और इसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान से मिलती थी कि किसको कहाँ दे के आनी है, तो इसलिए ये इस पूरे नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट, ये पाकिस्तान के जो स्मगलर्स का नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क है, उनके साथ ये एसोसिएटेड है। कैनॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि उनको ISI की हमेशा सपोर्ट रही है, जो पुराना हिस्ट्री बता रही है। एसटीएफ की पंजाब की ये बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी है। कार शायद इसके ब्रदर इन लॉ के नाम पे कार है। एक कार पे इसने सेब की पेटी बनाई हुई थी, उसके नीचे रखे ऊपर सेब रखे हुए थे। हाँ, पहले भी इसने निकाला, अभी तक इसने बताया कि 6-7 किलो पहले भी लेके आया, लेकिन वो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं अभी। नहीं, पहले पकड़ी नहीं गई, जो क्रॉस की हुई है इसने, और लेकिन इसके भाई के ऊपर FIR रजिस्टर्ड है और उसके भाई और उसके साथियों से 17 किलो हेरोइन बरामद हुई थी।